कबीरा सूर तुलसी ने जिसे हो मुग्ध अपनाया, रहीमन रस खान ने जिसकी सरसता से सुयश पाया, बिहारी देव पद्माकर बने जिसके पुजारी थे, निराला पंत ने जिसका सुखद आलोक फैलाया। वही हिंदी उस महासमुद्र की तरह है जिसमें 52 वर्ण समाते हैं। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, तो आइए हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ महामंत्र के साथ करते हैं। डीएवी संस्था एक ऐसी शैक्षिक धारा है जो विज्ञान के साथ साथ आधुनिक ज्ञान को समेटे निरंतर प्रवाहित हो रही है। तो अब आपके समक्ष प्रस्तुत है डीएवी गान। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय, हो चहु दिशि उद्घोष अभय, दिए विजय जय, दिए विजय जय। प्रबल प्रवाह मई नित नूतन, जीवन दायिनी सदा सनातन, वेद प्रणीता परम पुनीता, ये धारा अक्षय, दिए विजय जय, दिए विजय जय। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले, धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय, दिए विजय जय, दिए विजय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे, सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय, लिए अटल निश्चय, दिए विजय जय, दिए विजय जय। क्या आप जानते हैं कि हिंदी का साहित्य केवल कला पक्ष की दृष्टि से ही समृद्ध नहीं है,
बल्कि जीवन की व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए विश्व का सुंदरतम साहित्यिक भंडार है। इसीलिए कहा भी गया है कि हिंदी है हम वतन है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, भावों और विचारों के संचार का माध्यम है हमारी हिंदी। इसीलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस को हम लोग हिंदी उत्सव के रूप में मनाते हैं। मा मही मामई मानस में ममतायुत मोद प्रसारिता, मंजू मराल विराज सुसाज, सजा सब काज सवारतिया। अब मैं सरस्वती वंदना हेतु श्रुति भट्टाचार्य जी, जो कक्षा 9वीं की छात्रा हैं, आमंत्रित करता हूँ। वाह, श्रुति ने माँ सरस्वती की वंदना से हम सभी का मन विभोर कर दिया है। प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय में हिंदी भाषा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें विद्यार्थी बड़े उत्साह से अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। अब आपके समक्ष अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं कक्षा 3री के छात्रा अयुना, जो सुभद्रा कुमारी चौहान का चरित्र चित्रण करेंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का चरित्र साहित्य जगत के लिए अविस्मरणीय है। साहित्य मेरा अभिमान, लेखनी मेरी पहचान, वीरस मेरा गायन, साहित्य मेरा परिधान, मैं हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं भारत की प्रसिद्ध कवित्री हूँ। मैंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कई बार जेल गई। मैंने अपनी पहली कविता अपनी 9 वर्ष की आयु में लिखी थी। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसन मेरी प्रसिद्ध कविताएं हैं। आज मैं आपको वीरों का कैसा हो वसन कविता सुनाने जा रही हूँ। आ रही हिमालय से पुकार है उदती गरजता बार बार, प्राचीन पश्चिम को नव आभार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसन। सोने दिया रंग मधु लेकर आ पहुंचा आनंद, पशु पशुधा पुलकित अंग अंग है वीर देश में किंतु कंद, वीरों का कैसा हो वसंत। भदरली को किला इधर तान, मारो बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान,
मिलने को आए, आदि अंत वीरों का कैसा हो वजन। गलबाहे हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो लक्ष विलास या दैत्य त्राण, अब यही समस्या है जुड़न वीरों का कैसा हो वजन। कर दे अतीत अब मान जा, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक रुक्षेत्र अब जाग जाग, मिथिला अपने अनुभव अनंत वीरों का कैसा हो वजन। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलन, वीरों का कैसा हो वजन। भूषण अथवा कभी चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हन वीरों का कैसा हो वजन। आप सभी को हिंदी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद अयोना, आपकी इस प्रस्तुति से हमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी के व्यक्तित्व के बारे में जानने का अवसर प्रदान हुआ। मेरा दिल बेबस है शहर के अखबार की तरह, सुनिएगा, मेरा दिल बेबस है शहर के अखबार की तरह, वह ताकतवर है विज्ञापन के बाजार की तरह। कार्यक्रम की अगली प्रतिभागी है काव्या, जो कविता के माध्यम से विज्ञापनों का महत्व हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी। काव्या जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं चौथी कक्षा की काव्या वत्स आज आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विज्ञापन का पकड़ जाल। कभी कभी मेरे मन में एक विचार आता है कि यार, ये विज्ञापन हमें इतना क्यों लुभाता है। एक छोटा सा विज्ञापन कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि बड़ी सी बड़ा कहानी भी इसके चक्कर में फंस कर चढ़वे घर चक्कर बन जाता है। अगले दिन वह उसे अपने घर ले आता है और उस चीज को इस्तेमाल करने के बाद अपने आप को ठगा सा पाता है। एक बार उसे अमूल का विज्ञापन भी बहुत भाया, हिमानी नवरत्न तेल ने भी उसे जाल में फंसाया। हमारा गंजा मित्र गंजापन दूर करने की एक शीशी ले आया, बोला अपने विरान बंज और टपले पर बालक की फसल उगाऊंगा। अभी लोग राकेश रोशन बुलाते हैं, बाद में ऋतिक रोशन कहलाऊंगा। रामलाल ने वह दिन अपने टकले पर खूब मल मल के लगाया, लेकिन बाल तो बहुत दूर की बात है, इतनी सी घास तक नहीं उगा पाया। और करवा चौथ के दिन जब वह अपनी छत पे घूम रहा था, वही दूसरी और दूसरी छत पे एक शरारती बच्चा अपनी छत पे झूम रहा था। उस शरारती बच्चे ने रामलाल के टकले पर टॉर्च की रोशनी मारी और चकमा कर दी मोहल्ले की सारी पतिवर्ता नारी। क्योंकि जैसे उस शरारती बच्चे ने रामलाल के टकले पर टॉर्च की रोशनी मारी, मोहल्ले में शोर मच गया। देखो देखो चांद निकल आया है, पूजा कर लो। देखो देखो चांद निकल आया है, पूजा कर लो। जिस तिल को लगाते मॉडल एक पल में ही अपने बाल बढ़ा लेते हैं, उस तिल को लगाकर हमारे रामलाल चांद नजर आता है। तभी मुझे समझ नहीं आता कि विज्ञापन और सच्चाई का क्या नाता है। अब और ध्यान से सुनिए, सोना बेच लीजिए, 15 दिनों में 30 किलो तक वजन घटाइए। तारक मेहता के डॉक्टर हाथी को पोपट साग बना के दिखाइए। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि विज्ञापन होता क्या है। अमिताभ बच्चन से लेकर तेंदुलकर तक सब टीवी विज्ञापनों में आते हैं। कुछ बच्चों को चॉकलेट खिलाते हैं तो कुछ युवाओं को पेप्सी पिलाते हैं। वे 1 मिनट के विज्ञापन से करोड़ों तक की कमाई करते हैं। कंपनी इन्हें अपना माल अच्छे दाम से बिकवाती है, फिर भी आम आदमी इनसे इतना क्यों लुभाते हैं। इससे बड़े से बड़ा आदमी भी घनचक्कर बन जाता है और घनचक्कर बन जाता है। धन्यवाद। आज लाभ
धन्यवाद काव्या, आपने हमें विज्ञापनों की दुनिया से परिचित कराया। कुछ पेड़ जमीन पर भी लगा लेना, कुछ पेड़ जमीन पर भी लगा लेना, सोशल साइट पर लगाए पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते। अब मैं कक्षा पांचवी के विद्यार्थी गर्वी शर्मा पांचवी अ से तथा नीतीश गर्ग पांचवी स से मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर मेरा नाम गर्वित शर्मा है, मैं कक्षा पांचवी का छात्र हूँ। आज मैं हिंदी भाषा उत्सव के उपलक्ष्य में प्राण वायु ऑक्सीजन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। मैं ऑक्सीजन हूँ, मुझे प्राण वायु भी कहा जाता है। भोजन या पानी के बिना जीव जंतु कुछ समय के लिए जीवित रह सकते हैं, पर मेरे नाम मिलने पर तत्काल ही मृत्यु हो जाती है। प्राणों को स्थिर या संचालित रखने के इस गुण की वजह से मुझे प्राण वायु कहा जाता है। मेरी इस खोज का श्रेय कार्ल शीलर नामक वैज्ञानिक को जाता है। मेरा 21% भाग वायु में उपस्थित है। एक स्वस्थ व्यक्ति में मेरी मात्रा 94 से 100 के अंतर्गत होना आवश्यक है। मेरे बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान मेरी बहन कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और मुझे यानी ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। प्रदूषण के कारण मेरा स्तर गिरता ही जा रहा है। यह एक बहुत बड़े खतरे का छोटा सा संकेत है। मेरा स्तर बढ़ाने के लिए हमको प्रदूषण को कम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। अगर हम अभी सचेत नहीं हुए तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हुई ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का मंजर दोबारा से दोहराया जा सकता है। हम सबको यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमें पेड़ पौधे उगाने हैं जिससे हमारी धरती हरी भरी और मुझ से भरपूर रहे। यह प्रण लेता हूँ मैं और आप सभी से भी विनती करता हूँ। प्रकृति मुफ्त में हवा बेशकीमती देती है, सांस लेने और जिंदा रहने का आधार देती है। लोग वेंटिलेटर के ऑक्सीजन को कीमती समझते हैं, जिंदगी देने वाले पेड़ और प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, क्या आपने मुझे पहचाना? जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं हूँ सोशल मीडिया जिसका उपयोग आप रोज करते हैं। कभी व्हाट्सएप के जरिए, कभी फेसबुक, कभी ट्विटर और कभी कोई अन्य ऐप के जरिए। मेरा एक बटन दबाते ही मैं आपको विस्तृत जानकारी दे देता हूँ और मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज के दौर में मेरे बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। मेरा सामाजिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। मैंने बहुत सी व्यवसायों को बढ़ाने में मदद करी है और मार्केटिंग के कई साधन उपलब्ध कराए हैं। अनेकों बेरोजगारों को नौकरी तलाशने में सहायता करता हूँ और मेन जोन बढ़ाने में भी बहुत योगदान देता हूँ। पर दूसरी तरफ मुझे बहुत दुख होता है यह देखते हुए कि मेरी वजह से बहुत बच्चों का मानसिक विकास बिगड़ रहा है। बच्चे खेल कूद से दूर होकर सारा दिन मुझ पर लगे रहते हैं, जिससे बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे आप सब लोगों में निराशा और चिंता पैदा हो रही है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो इन सब चिंताओं को दूर करने का साधन बनना चाहता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आप मेरा उपयोग अपनी समझदारी से करें, जिससे आपका विकास हो, ना कि आपका विकास रुके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपका प्यारा मित्र हूँ। अगर मुझे सही से उपयोग करेंगे तो आपका विकास होगा।
नहीं तो आपकी बिगड़ी हालत देखकर मुझे भी दुख होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शांतनु चैटर्जी है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करना चाहूंगा। धारा प्रवाह रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। एक समूह के समक्ष अपने विचारों की मौखिक रूप में अभिव्यक्ति एक अच्छे भाषणकर्ता की पहचान है।
अब मैं चेष्टा रंगा जो कक्षा 10वीं ड की छात्रा हैं उन्हें भाषण हेतु आमंत्रित करना चाहता हूँ जो हिंदी भाषा के में निज भाषा पर नहीं गर्व जिसे क्या प्रेम देश से होगा उसे वही वीर देश का प्यारा है हिंदी ही जिसका नारा है। नमस्कार, मैं चेष्टा कक्षा 10वीं ड की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हिंदी का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 14 सितंबर 1949 का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन हिंदी भाषा को भारत की कार्यकारी भाषा और राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें हमारी पहचान याद दिलाता है। हम चाहे कितनी ही भाषाएं सीख लें, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी अपनी भाषा हमारी जननी के समान है। आज भारत में ऐसे अनेक लोग हैं जो हिंदी जानते हुए भी अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। वे समझते हैं कि हिंदी बोलने से उनकी साक्षरता पर सवाल उठेंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी भाषा हमारे देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का ज्ञान होना अपने आप में ही एक गर्व की बात है। हिंदी ने सदैव देश को जोड़े रखा है। स्वतंत्रता संग्राम में भी हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान था। प्रेमचंद की कर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दर्शन, जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त आज भी देश प्रेम की भावना जगाने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता को भी बढ़ाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हिंदी का महत्व बताते हुए कहा था कि भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। हिंदी भाषा के प्रति हम सभी का कर्तव्य है कि इसके विस्तार के लिए हम हर संभव कार्य करें। हम सदैव हिंदी का सम्मान करें और यह याद रखें कि हिंदी हमारा गौरव है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि हिंदी को आगे ले जाना है, उन्नति की राह बढ़ाना। नमस्कार, मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम आरु सकलायन और आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता कोरोना से संबंधित है और इस कविता का शीर्षक है मुझसे डरो ना। कल रात सपने में आया कोरोना, कल रात सपने में आया कोरोना, उसे देख जो मैं डरा तो मुस्कुरा के बोला मुझसे डरो ना। उसने कहा कितनी अच्छी है तुम्हारी संस्कृति, ना चूमते ना गले लगाते, दोनों हाथ जोड़कर वे स्वागत करते मुझसे डरो ना। कहां से सीखा तुमने रूम स्प्रे बॉडी स्प्रे, पहले तो तुम धूप दीप अगरबत्ती लोबान जलाते, वही करो ना मुझसे डरो ना। शुरू से तुम्हें सिखाया गया अच्छे से हाथ पैर धोकर घर में घुसो, मत भूलो अपनी संस्कृति, वही करो ना मुझसे डरो ना। उसने कहा सादा भोजन उच्च विचार, यही तो है तुम्हारे संस्कार, उन्हें छोड़ जंक फूड फास्ट फूड के चक्कर में पड़ो ना मुझसे डरो ना। यह अंतिम कुछ पंक्तियां हैं जिनके बिना यह कविता पूरी नहीं होगी। उसने कहा शुरू से ही जानवरों को पाला पोसा प्यार दिया, उसने कहा शुरू से ही जानवरों को पाला पोसा प्यार दिया, रक्षण की है तुम्हारी संस्कृति, उनका भक्षण करो ना मुझसे डरो ना मुझसे डरो ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा कविता वाचन की प्रस्तुति भाषा उत्सव में प्रस्तुत की गई, जिसमें आज की तात्कालिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। कविताओं के माध्यम से इन ज्वलंत समस्याओं पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने आ रहे हैं आरुष सकलानी कक्षा 6 ब, रुचिरा 6 स तथा विभूति मदान 6 ब से। सुप्रभात, मेरा नाम रुचिरा है।
मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भ्रूण हत्या। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यू कोख में न मारो तुम। तुम्ही तो मेरी ताकत हो, ऐसे हिम्मत न हारो तुम। आने दो मुझे इस दुनिया में, तुम्हारा नाम मैं रोशन कर दूंगी। तेरी हर तकलीफ को दूर कर, तेरा घर खुशियों से भर दूंगी। मैं भी तो तेरा खून ही हूँ, इस बात को विचारो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यूं कोख में न मारो तुम। मुझ पर विश्वास भले न हो, पर तुम खुद पर तो विश्वास रखो। मुझे बचाने की खातिर थोड़ा तो प्रयास करो। रूखी सूखी खाकर मां तेरे संग रह जाऊंगी। बेटी होने के फर्ज में सारे गर्व से निभाऊंगी। इन लोगों की स्वार्थ की खातिर मेरी दुनिया न उजाड़ो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यू कोख में न मारो तुम। न होगी जो बेटी तो ये बेटों को किस संग ब्याहेंगे। बहन न होगी तो भाई राखी किससे बंधवाएंगे। नवरात्रि के दिनों में इनको कन्याएं भी न मिल पाएंगी। आने वाली दुनिया कैसे अपना अस्तित्व बचाएगी। बतलाओ ये बातें सबको, सोच को इनकी सुधारो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यूं कोख में न मारो तुम। यही है देवी, माता भी यही है। पांडा है जिसने प्यार से सबको, असल में वह नाता भी यही है। बिन नारी ना सृष्टि चलेगी, इस बात का तुम सब ज्ञान करो। बोझ समझकर बेटी को न बेटी का अपमान करो। वक्त पर आया मुझ पर जो, उसको आज संभालो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यूं कोख में न मारो तुम। मैं बोझ नहीं हूँ माँ, मुझको यूं कोख में न मारो तुम। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विभूति मदान है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गरीबों की समस्या। तुम हमें क्या दोगे। बस दूर रहना और मानते हैं कि तुमसे थोड़ा है। तुम्हारी जिस्म लहू और हड्डियों से भरी है, हमारे सीमेंट और गिट्टी से। तुम माँ की कोख से जन्म लेते हो, हम कारखाने की भट्टियों से। हम खदानों का कोयला है, तुम तिजोरी का सोना। तुम्हें पूरी दुनिया चाहिए, हमें सिर्फ एक होना। बहुत मुश्किल है, तुम्हारा और हमारा एक साथ। यह बराबरी का दौर है, ना किसी को छोटा कहते अच्छा नहीं लगता। पर तुम्हें कहीं भी तो क्या कहें। तुम बेचारे महंगे वर्तमानों के मारे अपने प्यास के लिए मिट्टी के प्यारे नहीं कमा पाए। जिंदगी भर दौड़ते रहे और हमारी तरह पैरों के छाले नहीं कमा पाए। स्कूल फीस के बाशिंदों कभी जमीन बिछा के सोए हो गया। बहाने वाले कभी मिला तुम्हारे मोहताज है। और हमें चोट लग जाए तो धूप के फरिश्ते आके अपनी उंगलियों का सेक देते। तुम्हारे पास दुखों के वो मीने कहा जो हमारे बच्चे खेल के सेक देते। जुम्मों के जागीरदार हम दर्दता हुआ आफताब। तो दक्षिण पे खींची तब दिल हकीकत। हम नई दुनिया का दरिया दिल ख्वाब है। तुम सिर्फ जिंदा हाथ हो, हम एक गुलाम। यानी तुम बहुत माफी हो, हम बहुत माया। इसलिए आज हम अपनी गलती कबूल करते हैं।
हमने मांगने से पहले देने वाले का होना पहले था। हमारी मेहनतों का फल तुम्हारी मार की इमारतों से बड़ा है, तो हमें क्या दोगे? तुम्हारी एक एक ईंट पर हमारे पसीने का उधार, तुम हमें क्या दोगे? 21वीं सदी के महाशक्ति बनने का तुम्हारा सपना हमारे पैरों पर पड़ा, तुम हमें क्या दोगे? हम देते हैं तुम्हें ये वचन कि आज तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, पर वापस लौट के आएंगे। तुम्हारी देह का इनाम जो उजड़ गए हैं उससे फिर से बसा जिंदगी का मलबा देकर आंसू मत बहा। हम ईश्वर के हाथ में तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बना। दुख हावी ना हो मुस्कुराते चलो, रहा मुश्किल ना हो गुनगुनाते चलो। शूल या फूल या शूल जो भी मिले पंथ में, फूल या शूल जो भी मिले पंथ में, प्यार से कविता को गाते चलो। धन्यवाद आरुष, रुचिरा एवं विभूति आपकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, कठपुतली नृत्य को लोक नाट्य की एक शैली माना गया है। राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में धागा पुतली कला पल्लवित हुई। अब मैं कविता वाचन हेतु अभिनव कुमार, जो कक्षा सातवीं ड से हैं, बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात, मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं कक्षा सातवीं ड का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कठपुतली प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कठपुतली गुस्से से उगली और बोली, कठपुतली गुस्से से उगली और बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें हमारे मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। इनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई यह कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के समक्ष नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती। यही स्थिति भारत के बहुत से राज्यों की दृष्टिगत होती है। भारत के राज्य भाषा, धर्म और संस्कृति के नाम पर अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हैं। हिंदी भाषा जन जन की भाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा बनकर एक राष्ट्र बनाने का सपना जो हमारे पूर्वज ने देखा था, वह हम सबको संजोकर रखना है। धन्यवाद। धन्यवाद अभिनव। कठपुतली सी हो गई है जिंदगी, रोज धागों पर नाच रहे हैं कलाकार। धन्यवाद अभिनव हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए। जहाँ हर तृप्त पाती विश्व की बौद्धिक पिपासा है, जहाँ हर तृप्त पाती विश्व की बौद्धिक पिपासा है, जहाँ बंधुत्व मैत्री प्रेम की फलती सदाशा है, दिया संदेश जिसने शांति का जग को वही भारत, दिया जिसने संदेश शांति का जग को वही भारत, हमारा देश हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा है। आज की इस कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आपको कलयुग से द्वापर ओर की युग की ओर ले जा रही हूँ, जहाँ कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से अंबर त्रिपाठी वातावरण में जोश और औज भरने का प्रयत्न कर रहे हैं।
नमस्कार, आज मैं अंबर त्रिपाठी आप सबके समक्ष कृष्ण की चेतावनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। अब क्या कहा उन्होंने, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को मान ले चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन जंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अंबर में कुटल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सुने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रीगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश खड़े, ध्यान सुनिएगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश खड़े, केवल दो नर ना घाते थे, राष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। धन्यवाद अंबर। आज का कार्यक्रम धीरे धीरे रोचक हो रहा है और अब हिंदी भाषा से संबंधित रोचक तथ्य बताने हेतु मैं संस्कृति शाह, जो कक्षा 9वीं डा से हैं, उनको आमंत्रित करना चाह रही हूँ। हिंदी प्रेम की भाषा है, यही इसकी परिभाषा है। नमस्कार, मैं संस्कृति शाह, कक्षा 9वीं डा की छात्रा, आज आपको हिंदी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देने जा रही हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन विश्व में भी हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया भर में लगभग 176 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। उसमें से 45 विश्वविद्यालय तो सिर्फ अमेरिका के हैं। पहली बार 1977 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित करके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबका दिल जीत लिया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में निर्मित करती है। गूगल के अनुसार डिजिटल मीडिया में हिंदी की मांग प्रतिवर्ष 94% की दर से बढ़ रही है। आइए हम सब भी हिंदी को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। धन्यवाद संस्कृति, हिंदी के इतने रोचक तथ्य प्रदान करने के लिए। आज का यह कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है। हिंदी भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भक्ति धर्म साधना का नहीं अपितु भावना का विषय। भक्ति काव्य की प्रस्तुति हेतु
देवर्गा देव को आमंत्रित करना चाहती हूँ। देवर्गा देव, आयो जी मेरी राम रतन गन पायो, पायो जी मेरी राम रतन गन पायो। वस्तु मौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु मौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर पुरायो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी कुआयो, पायो जी मैंने जग में सभी कुआयो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो। हर चन खोटे चोर न लूटे, हर चन खोटे चोर न लूटे, हर चन खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर कर आयो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो। मीरा के प्रभु गिर कर नागर, मीरा के प्रभु गिर कर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो, पायो जी मैंने राम रतन गन पायो। धन्यवाद देवर्गा, भक्ति भाव से हमारा मन
ओतप्रोत करने के लिए। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे आप अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। धन्यवाद और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुति और इसके लिए जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं हिंदी डिपार्टमेंट के और हमारे जितने भी छात्र हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़कर जो ताना बाना जुड़ा उससे जो जोड़ा उससे हमारे सभी छात्र सभी अध्यापक उन्होंने इसको बहुत सराहा है और वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देखकर भी ये बात पता चल रही है। हमारे प्रोग्राम के जो सूत्रधार थे अंबर त्रिपाठी एंड एक और स्टूडेंट भी थी, मैं उनका नाम नहीं देख पा रही अपने डैशबोर्ड पर, बट दोनों ने ही बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया, इस कार्यक्रम के सूत्रधार बने। श्रुति भट्टाचार्य ने बहुत ही सुंदर तरीके से सरस्वती वंदना को प्रस्तुत किया। अयोना आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो चरित्र चित्रण किया वो बहुत बहुत सराहनीय है। काव्या आपने हमें 2-2.5 मिनट तक जो गुदगुदाया अपने विज्ञापन मंचन के थ्रू वो बहुत बहुत सराहनीय है। आप आगे बहुत बढ़े ऐसी हमारी कामना है। गर्वित और नितिश आपने जो ऑक्सीजन के बारे में और सोशल मीडिया ट्विटर के बारे में जो हमें बताया वो भी एक आई ओपनर भी था, उसने हमारी आंखें खोल दी और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई ही कि हमें सोशल मीडिया पे किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए और वृक्षों को लगाना क्यों ज़रूरी है। शांतनु बेटा आपने बहुत अच्छे दोहे जो हैं उनको प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेष्टा आपका जो भाषण था हिंदी भाषा के महत्व के ऊपर वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद आरुष आपने जो कोरोना के बारे में हमें बताया, जो आपकी कविता थी उसमें शब्दों का प्रयोग कोरोना और करोना वो बहुत बहुत सराहनीय है। आप आगे बढ़े ऐसी हमारी कामना है। रुचिरा और विभूति आपके आपकी कविताओं ने जो रुचिरा आपने जो कविता प्रस्तुत करी भूर्ण हत्या पर और विभूति आपने जो कविता प्रस्तुत करी जिसका शीर्षक था तुम हमें क्या दोगे, उन दोनों कविताओं ने हमारा दिल छू लिया सभी का। अभिनव आपका कठपुतली के ऊपर सिर्फ कविता वाचन नहीं, आप एक्चुअली कठपुतली को प्रस्तुत कर रहे थे एंड हमारे बहुत से छात्रों ने उसको बहुत सराहा। अगेन मैं कमेंट बॉक्स में जाकर देख रही थी तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंबर आपने जो कृष्ण जी की चेतावनी प्रस्तुत करी वो रश्मि रथी पुस्तक से है, राम ये बहुत फेमस है, इसमें महाभारत की कहानी को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है, तो आपने आपका कविता वाचन भी बहुत बहुत सराहनीय है। संस्कृति आपने जो हमें इतने अच्छे रोचक तथ्य बताए जो प्रस्तुत किए बहुत बहुत धन्यवाद। और देवरगा दे जो आपने हमें इतने अच्छे भक्ति के एक परिवेश में हमें डुबो दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बच्चों एक और बहुत अच्छा दिन है एंड आज राधा रानी, अगर आपको पता हो जब भी हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम राधा जी का भी नाम लेते हैं, तो आज राधा जी का जन्मदिन है। आध्यात्मिक प्रेम की प्रतीक है राधा रानी और उनके आज प्रकट होने का जो उत्सव है वो सारे देश में मनाया जा रहा है, तो आपको राधा रानी के जन्म उत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर हमारे हिंदी विभाग के जितने भी अध्यापकगण हैं
उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी गाइडेंस में हमारे स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और बच्चों, हिंदी एक मातृभाषा जिसको हम बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले हम संस्कृत की भी तो बात कर रहे थे और संस्कृत हम कह रहे थे कि देव भाषा है, और संस्कृत के साथ साथ हिंदी जो है वो मन की भाषा है। हम कितना भी कोशिश कर लें कि हम किसी और भाषा में अपने मन के विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करें, पर जो हम हिंदी भाषा के थ्रू प्रस्तुत कर सकते हैं वो एक अलग उसका भाव होता है। और हमें हिंदी भाषी होने पर भी गर्व महसूस करना चाहिए। आज मैं आपको यही कहना चाहती थी, और एक बार दोबारा से आप सभी को हिंदी दिवस की भी शुभकामनाएं और राधा रानी जी के प्राकट्योत्सव की भी शुभकामनाएं, राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपके आशीर्वचनों के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, और राधा रानी के जन्मदिन की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जैसा कि हमें मैम ने बताया। आशा है आप सबको सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आपने कविता, कहानी, भाषण, दोहा, चरित्र चित्रण जैसी साहित्यिक विधाओं का आनंद उठाया होगा। आइए अब हम अपने कार्यक्रम की इतिश्री शांति पाठ के द्वारा करते हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षग्निः शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वग्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांतिः। ज्ञान के अगाध सिंधु में पतवार है तुल्य, ललित कलाओं के गुणों की खान हिंदी है। एक नहीं नौ रस समेटे निज आंचल में, विविध रसों का पान कराती हिंदी है। धन्यवाद आप सभी।